गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चैप्टर नेम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और लेसन वन, ये टॉपिक हमारा क्लास फिफ्थ के लिए। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं। अ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर एंड एनेबल्स देम टू वर्क टूगेदर। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, दैट गेट्स लोडेड इन इट्स मेमोरी विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एग्जांपल हैं इसके एमएस डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, मैक। अब ये बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने में। ठीक है, ये क्या करता है, जितनी भी आपकी कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको ये क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, और ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, यूज़र हुए हम लोग। ठीक है, ये क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में, ताकि वो क्या कर सके, एक साथ काम कर सके। ठीक है, सबसे पहले जब बोलते हैं आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपकी बूटिंग प्रोसेस चलती है। ठीक है, जो भी बूटिंग होती है, जितनी भी आपके मेमोरीज वगैरह, वो सारे लोडेड होना स्टार्ट हो जाती है। वो किसकी हेल्प से होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो प्रॉपर आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो जितनी भी बूटिंग वगैरह होती है, लोडिंग होती है, वो किसकी हेल्प से होती है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने एमएस डॉस बोला, यूनिक्स, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, होमवर्क भी आपके लिए है, रीड राइट व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।